ओम शांति। 3/3/2021। आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सद्गुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत है, आज अंधेरे में हम इंसान। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म मना विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, कंपनी और कंपेनियन को समझकर सदा साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वे कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो हरती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीति की रीति निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति।